हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। ज्योति स्टडी सेंटर में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन और बेसिक इंग्लिश के बारे में बात किया करते हैं। फ्रेंड्स, अभी का ये वीडियो वन वर्ड फॉर मेनी से रिलेटेड होने वाला है। यह वन वर्ड फॉर मेनी से रिलेटेड पार्ट 25th वीडियो है। इसके 1 to 24 पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, अगर आपने मिस किया तो कृपया उन्हें देख लें रेफरेंस के लिए। तो आइए हम और आप मिलके आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स रिफ्लेशन। फ्रेंड्स, इट्स रिफ्लेशन। अ बुक कंटेनिंग एन ऑफिशियल रिकॉर्ड और लिस्ट, इट्स रजिस्टर। समथिंग ओल्ड दैट रिमाइंड्स अस ऑफ द पास्ट इज रेलिक। फ्रेंड्स, इट्स रेलिक। Renewal of interest in some particular kind of art, literature, etc. It's renaissance. It's renaissance of the kidney. It's renal. The act of process of producing young is called reproduction. An official demand or request. It's requisition. Sound produced in one object by sound waves from other, it's resonance. Friends, it's resonance. Connected with breathing, it's respiratory. An act of filming or recording something again, it's retake. फ्रेंड्स, ये वन वर्ड फॉर मेनी से रिलेटेड वीडियो है। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बड़े लंबे सेंटेंस के बजाय अगर हम शॉर्ट वर्ड से उसके बारे में डिस्क्राइब करते तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और इम्प्रेसिव रहता है। कुछ इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये वन वर्ड फॉर मेनी से रिलेटेड वीडियो। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अ सीवियर डिजर्व पनिशमेंट, इट्स रेट्रीब्यूशन। इट्स रेट्रीब्यूशन। The questioning of the main beliefs of an already existing political system, revisionism. To end with the same sound, including a vowel, it's rhyme. Friends, it's rhyme. One's most useful and valuable helper, right-hand man. One who leads other to do wrong or make trouble, it's ringleader. A warm stretch of coast popular with holiday maker, it's Riviera. A small herbivore with strong, sharp, long front teeth, it's rodent. Friends, it's rodent. One who travels around a lot and has no fixed address and responsibilities, it's Rolling Stone. Friends, it's Rolling Stone. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वन वर्ड फॉर मेनी से रिलेटेड वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो आप बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई सुधार चाहिए कमेंट कीजिए और इसे लोगों तक पहुंचाइए जिसे एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इस चैनल का मेन मोटिव इंग्लिश को आसान बनाकर आप लोगों के बीच इसे रखना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पाए। और इंग्लिश इज़ इजी, यह इस चैनल का टैग लाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूं ही नए से नए इंग्लिश टॉपिक को लेकर आपके बीच आती रहूँ तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और सभी लोगों तक इस चैनल को पहुँचाने में मदद कीजिए। ये सब मैं अकेली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसके लिए आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और इस चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।